नंबर 5 डार्क मैटर। डार्क मैटर के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाला हूँ जो इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ ही दिन बाद अपलोड हो जाएगी। 1990s में जब स्पेस को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया जा रहा था तभी साइंटिस्ट के मन में यह सवाल आया कि ऐसी क्या एनर्जी है जो यूनिवर्स को इतना एक्सपेंड कर रही है। और जब 1998 में हबल टेलीस्कोप ने एक सुपरनोवा होते हुए देखा तब साइंटिस्ट को समझ में आया कि यूनिवर्स के एक्सपेंड होने के पीछे कोई एक ऐसी एनर्जी है जो कि अब तक डिस्कवर नहीं हुई है, तो उसे एक नाम दे दिया गया, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी असल में एक रिपल्सिव फोर्स की तरह एक्ट करती है जो कि सारी चीज़ों को अपने से दूर करती है। वहीं डार्क मैटर डार्क एनर्जी का टोटली अपोजिट है। जहां डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव ग्रेविटी की तरह काम करती है, वहीं डार्क मैटर एक असल में अट्रैक्टिव ग्रेविटी की तरह काम करता है जो कि सारी चीज़ों को अपनी तरह अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इस डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में और जानने के लिए हमें अतीत में पीछे जाना होगा, यानी कि एग्जैक्ट 0 सेकंड में जब बिग बैंग हुआ और जहां से सारी डार्क मैटर डार्क एनर्जी एंटी मैटर मैटर सभी का जन्म हुआ। जब बिग बैंग हुआ था तब बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी जिसकी वजह से कई सारे प्लैनेट्स और कई सारे स्टार्स का जन्म हुआ। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थ्योरी के हिसाब से उन्होंने ये कहा था कि डार्क एनर्जी स्पेस का खुद ही एक पार्ट है और जिस बिग बैंग की वजह से ये जो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आए हैं उनके बीच में हमेशा से ही एक जंग चलते हुए आ रही है कि आखिरकार जीतेगा कौन, डार्क मैटर जो कि अट्रैक्टिव ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है या फिर डार्क एनर्जी जो कि रिपल्सिव फोर्स के काम करती है। और एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी यह बात रियलाइज़ हुई कि हमारा स्पेस भले ही खाली दिखता हो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे स्पेस में कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो हमारे यूनिवर्स को इतना मेंटेन करके रखी हुई है, वो भी बिल्कुल इक्वली बैलेंस्ड। ये तो बात हुई डार्क एनर्जी की, लेकिन जब बात डार्क मैटर की आती है तो क्या कोई ऐसा एविडेंस है जो हमें ये बताए कि डार्क मैटर सच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब इस डार्क मैटर को तो देख पाना काफ़ी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, तो इसलिए ऐसा कुछ फिजिक्स के रूल से एज्यूम किया गया है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला गया है जिससे ये पता चलता है कि डार्क मैटर जैसी कोई चीज़ हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके सैटेलाइट के मोशन से लगाया जा सकता है। बिल्कुल इसी लॉ को हमारे यूनिवर्स में फिट कर दिया गया और कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हमारा गैलेक्सी क्लस्टर यानी कि इतने सारे गैलेक्सी का समूह एक ग्रुप, उसका एक बहुत ही बड़ा मास होता है और उसी गैलेक्सी का मास हमारे गैलेक्सी के मास से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और हमारा गैलेक्सी का जो मास है वो हमारे गैलेक्सी के अंदर मौजूद स्टार्स और इंटरस्टेलर गैस के मास से काफ़ी ज़्यादा है। तो आप खुद ही बताइए कि इतने सारे मास के बीच में कितने सारे एक्स्ट्रा स्टफ मौजूद होगी और इसी एक्स्ट्रा स्टफ को डार्क मैटर कहा गया है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डार्क एनर्जी एक रिपल्सिव ग्रेविटी का काम करती है और डार्क मैटर एक अट्रैक्टिव ग्रेविटी का, यानी कि इन दोनों की वजह से हमारे यूनिवर्स काफ़ी इक्वली बैलेंस्ड है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से हमारे सोलार सिस्टम को क्या इफेक्ट पड़ता है। डार्क मैटर की ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है कि वो लाइट को भी बैन कर सकती है, जिसकी वजह से हम जब भी आसमान में देखते हैं तो हमें सितारे काफ़ी कम नज़र आते हैं क्योंकि डार्क मैटर की मौजूदगी की वजह से कई सारी लाइट्स बैंड हो जाती हैं जो कि हमारे आँख तक पहुँच ही नहीं पाती और हम कई सारे स्टार्स को देख ही नहीं पाते। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से कई सारे रिसर्चर्स को ये लगता है कि डार्क मैटर और ब्लैक होल का कुछ ना कुछ रिलेशन है जिसकी वजह से लाइट टोटली बैंड हो जाता है और हम स्पेस को अभी तक अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो यही सारी कुछ थ्योरी थी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को लेकर। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट कर जरूर बता देना। वैसे भी हमारा स्पेस कई सारे मिस्टीरियस थिंग्स से तो भरा ही हुआ है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन यही दोनों वो चीज़ है जो हमारे यूनिवर्स को इतना एक्सेलरेट कर रही है और हमारे यूनिवर्स को इतना इक्वली बैलेंस कर रही है। अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो से रिलेटेड सारी न्यूज़ अपनी स्टोरी पर डालता रहता हूँ और वहाँ पर मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ मीम्स डालते रहता हूँ जिससे आपको साइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग लगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।